नमस्कार दोस्तों, सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन के वह न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो जून 2022 के रेगुलर पेपर में पूछे गए थे और जनवरी 2023 के बैक के पेपर में पूछे गए थे, वह सॉल्व करना हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज मैं जो पास्कल्स लॉ से रिलेटेड टू न्यूमेरिकल पूछे गए थे, एक रेगुलर पेपर में और एक बैक के पेपर में, दोनों को आज मैं सॉल्व करवाने वाला हूं। यदि आप इन दोनों न्यूमेरिकल को समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें और जो भी मैं समझाता हूं उसको भी ध्यान से सुनने की कोशिश करें। ऐसे स्टूडेंट जो हमारी पीडीएफ से स्टडी कर रहे हैं वह लोग ध्यान से सुने। इम्पैक्ट ऑफ जेड एक चैप्टर है, उसकी पीडीएफ मैंने अपलोड करना स्टार्ट कर दी है, तो ध्यान से उसको पढ़ लें। उसमें वह न्यूमेरिकल भी है जो पिछले क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे, उनको भी मैंने सॉल्व करके अपलोड कर दिया है, तो वह जरूर देख लें। और जो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं इनकी और इन जैसे क्वेश्चन और भी हो सकते हैं उनकी भी पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा सुबह, तो उसको भी ध्यान से देख लें। चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन जो जून 2022 के रेगुलर पेपर में पूछा गया था, इसमें लिखा हुआ है अ हाइड्रोलिक प्रेस हैज अ रैम ऑफ 30 सेंटीमीटर डायमीटर एंड अ प्लंजर ऑफ 4.5 सेंटीमीटर डायमीटर, फाइंड द वेट लिफ्टेड बाय द हाइड्रोलिक प्रेस व्हेन द फोर्स अप्लाइड एट द प्लंजर इज 500 न्यूटन। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जो रैम है उसका डायमीटर दिया है, प्लंजर जो दिया है जिससे हम प्रेशर लगा रहे हैं, किसको फ्लूइड को दबा रहे हैं, उसका डायमीटर दिया हुआ है, और हमें क्या करना है, जो जो हम प्लंजर को दबाएंगे उससे जो फ्लूइड के कारण जो वेट ऊपर को उठेगा उसका हमें वेट निकालना है। इसके अलावा जो प्लंजर पर हम वेट लगा रहे हैं उसका वेट दिया है या फोर्स दिया है 500 न्यूटन। याद रखें, यदि किसी के पास पुराने पेपर नहीं है, जो दोनों ओसीबीसी के थे, उसको मैंने जो टेलीग्राम की लिंक है उस पर डाल दिए हैं या सेंड कर दिए हैं। यदि आप जो पिन किए गए जो सेक्शन रहता है जहां पर पिन किया हुआ है वो पिन भी कर दिए, जिससे आप बार बार हमसे डिमांड ना कर सकें, तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर मैसेज ना करें, पहले आप चेक करें टेलीग्राम ग्रुप को, और जहां पर पिन किए हुए ऊपर की साइड रहता है उसको भी देख लें। अब चलते हैं, सबसे पहले गिवन डाटा नोट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन डाटा लिखेंगे, तो सबसे पहले ऊपर देख रहे हैं, यहां पर हम सिंबल यूज करते हैं, जैसे कि यहां पर रैम लिखा हुआ है, रैम के डायमीटर को हम किससे, कैपिटल डी से डिनोटेट करते हैं। कितना दिया, 30 सेंटीमीटर दिया है। यहां पर हम मैक्सिमम डाटा किसमें, मीटर में चेंज करेंगे, 30 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे, तो 100 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 0.3 मीटर। नेक्स्ट है प्लंजर का डायमीटर, प्लंजर के डायमीटर को हम स्मॉल डी से डिनोटेट करते हैं, आप डायरेक्ट लिख भी सकते हैं डायमीटर ऑफ प्लंजर, यहां पर डायमीटर ऑफ रैम, स्मॉल डी इक्वल टू दिया 4.5 सेंटीमीटर। इसको भी हम किसमें चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे 100 का डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0.045 मीटर। इसके अलावा आप देख रहे हैं हमें ये जो प्लंजर पर फोर्स दिया है वह दिया एफ इक्वल टू कितना दिया हो 500 न्यूटन, और आगे हमें क्या निकालना है, डब्ल्यू निकालना, मतलब जो वेट लिफ्टेड निकालना है, तो जो डब्ल्यू निकालने के लिए कॉमन फॉर्मूला होता है उसको आप ध्यान से समझेंगे, ये होता प्रेशर इंटेंसिटी, क्या होता प्रेशर इंटेंसिटी, प्रेशर इंटेंसिटी, इसको हम पी से डोनोटेट करते हैं, इसका टू होता वेट लिफ्टेड अपॉन क्या होता है एरिया ऑफ रैम, इस तरह का ये फॉर्मूला होता है। अब यहां पर जो प्रेशर की बात करें, तो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर किसके द्वारा, प्रेशर किसके द्वारा लगाया जा रहा है, हमारी प्लंजर के द्वारा लगाया जा रहा है, किसके द्वारा, प्लंजर के द्वारा यहां पर लगाया जाता है, किस पे, जो हमारा फ्लूइड या लिक्विड भरा हुआ है उस पे प्रेशर लगाया जा रहा है, तो प्रेशर या प्रेशर इंटेंसिटी हम कहां से निकालेंगे, प्लंजर के जो भी डाटा दिया है उसके आधार पर निकालेंगे। डब्ल्यू हमें निकालना है, एरिया ऑफ रैम निकालेंगे, तो हम किससे, रैम का हमारा डायमीटर दिया गया है तो हम रैम इसका डायमीटर बड़े आसानी से निकाल लेंगे। सबसे पहले जैसे हमारे सॉल्व करने का तरीका, हम यहां पर क्या लिखते हैं, हियर हमें क्या चाहिए, प्रेशर इंटेंसिटी चाहिए, तो प्रेशर इंटेंसिटी इसके थ्रू निकाला है, जो रैम के थ्रू हम प्रेशर लगा रहे हैं, जैसे कि हम पास्कल लॉ से हम जानते हैं कि जो भी हम प्रेशर लगाते हैं तो जो फ्लूड है वह सभी जगह एक समान प्रेशर डालेगा,
जितने भी जो भी हमारा बर्तन है या जो भी हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो हमारा जो हमारा प्रेशर इंटेंसिटी होती है, प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन यहाँ पर एरिया कौन किसका हो जाएगा, प्लंजर का, याद रखें। तो फोर्स की जो वैल्यू दी है उसको मैं लिखूंगा कितना, 500 जो दी गई है, बट एरिया किसका, प्लंजर का। प्लंजर का एरिया क्या होता है, पाई बाई फोर इंटू डी स्क्वायर। इसको हम बड़े आसानी सॉल्व कर सकते, 500 की जगह 500 रहने दें, पाई बाई फोर की जगह पाई बाई फोर रहने दें, मल्टीप्लाई डी का डी दिया गया यहाँ पर 0.0045 इसका स्क्वायर। अब हम इसको जब सॉल्व कर रहे अपने आधार पर, तो हम देख रहे हैं कि 500 को अभी आप 500 ही रहने दें, और यहाँ पर पाई में 4 का भाग दें, जो भी हमारा वैल्यू आती है उसमें मल्टीप्लाई 0.045 इसका स्क्वायर कर दें। तो जो मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने कैलकुलेशन की, वह जो वैल्यू आ रही है, वह आ रही 0.00159 आ रही है। तो इसको हम जब सॉल्व कर रहे हैं, इस 500 में नीचे वाली वैल्यू का भाग दे रहे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आएगी उसको मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, 314465.4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया, पी की वैल्यू आ गई है, जो मुझे किसके लिए चाहिए था, इस फॉर्मूले के लिए चाहिए थी। अब एरिया ऑफ रैम निकालना, तो एरिया ऑफ रैम भी निकाल लेते हैं हम यहां पर, एरिया ऑफ रैम, इसका फॉर्मूला भी क्या होता है, पाई बाई फोर इंटू रैम का डायमीटर किससे नोटेट किया मैंने, कैपिटल डी से। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, कैपिटल डी का स्क्वायर। ये क्या लिख देंगे, पाई बाई फोर इंटू डी की वैल्यू कितनी दी, 0.3, तो 0.3 का हम स्क्वायर कर देंगे। अब हमें सिर्फ इसको कैलकुलेट करना है, पाई में 4 का भाग देना है और मल्टीप्लाई 0.3 का स्क्वायर वाला कर देना है। तो जो वैल्यू आ रही है मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आ रही 0.07068 मीटर स्क्वायर। अभी जो वैल्यू आ गई दोनों किसकी, एरिया ऑफ रैम और जो हमारा क्या प्रेशर इंटेंसिटी, इन दोनों को इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसा लिखते हैं, नाउ प्रेशर इंटेंसिटी पी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एरिया ऑफ रैम, यहाँ पर आर लगा देते तो एरिया ऑफ रैम सिंबल हो गया। पी की वैल्यू कितनी है, जो हम रख देते हैं यहाँ पर 314465.4 इक्वल, डब्ल्यू हमें निकालना है वेट लिफ्टेड, कितना वेट लिफ्ट हो रहा है उसको निकालना है, और रैम का एरिया हमने यहाँ पर निकाल लिया है 0.07068। हमें इस डब्ल्यू को निकालना है, तो हम क्या करेंगे, W इक्वल टू इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 314465.4 मल्टीप्लाई 0.07068। इसका हमने एक दूसरे मल्टीप्लाई किया, तो जो मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर आया वह आया है 2226.41 न्यूटन। अगर हमें इसको किलोमीटर में चेंज करना है, तो 1000 से हम इसमें भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा 22.22641 किलो न्यूटन। तो ये उम्मीद है न्यूमेरिकल समझ में आया होगा आपको, ऐसे और भी न्यूमेरिकल हैं, उनको मैं पीडीएफ में सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा, तो उनको जरूर देख लें, क्योंकि अभी पेपर में टाइम है, तो आप अच्छे से इनको सॉल्व कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये 6 नंबर का पिछले एग्जाम में पूछा गया था, तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, इसका एक और न्यूमेरिकल मैंने लिया हुआ है, जो एक्स के पेपर या बैक के पेपर जनवरी 2023 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, द प्रेशर इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड इज गिवन। प्रेशर इंटेंसिटी इसमें ऑलरेडी गिवन है, मतलब पी की वैल्यू गिवन है, 3.924 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द करस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ द फ्लूइड वैन। फ्लूइड की जो हाइट है, जब प्रेशर लगाएंगे किसी चीज पे, तो फ्लूइड ऊपर की ओर उठेगा, उसकी हाइट को हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन अलग अलग फ्लूड के लिए, जैसे कि वाटर के लिए करना है, और किसके लिए करना है, ऑयल के लिए करना है। ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑलरेडी 0.9 दी गई है। तो चलते इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, गिवन डाटा लिखना है। तो गिवन डाटा क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमें जो भी यहां पर डाटा दिया उसमें अगर यूनिट में परिवर्तन करना है तो करके रख ले। तो हम यहाँ पर गिवन लिख देते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं प्रेशर इंटेंसिटी, मतलब पी इक्वल टू कितना दिया है, 3.924 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसा मैं ऊपर बता चुका था, इसको किस में चेंज करना, मीटर स्क्वायर में चेंज करना, तो हो जाएगा 3.924 इंटू, जो सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मुझे मीटर स्क्वायर में चेंज करना है, तो हम क्या करते हैं, 100 का
डिवाइड करते हैं तो ये स्क्वायर है तो दो बार डिवाइड होगा, 100 100 दो बार डिवाइड होगा, वो थर्ड नंबर पे आएगा, थर्ड नंबर से आप कहां पहुंचेगा, ऊपर पहुंच जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाता है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 की पावर 4 का। तो 10 की पावर 4 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और ये चेंज किसमें हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। इसके अलावा हमें अलग अलग दोनों लिक्विड के लिए हमें क्या निकालना है, जो भी हाइट लिफ्टेड हो रही है उसको निकालना है। तो यहाँ हाइट लिफ्टेड के लिए हम क्या करेंगे, पहला लिक्विड का यहाँ पर नाम देंगे। पहले तो हम फॉर्मूला समझ लेते हैं इसका क्या होता है। जो हाइट लिफ्टेड होता है, जो भी डेरिवेशन होते हैं इसके, उसके बीच में से हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं, समझते हैं, देखते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो इसमें जो फॉर्मूला यूज होता है हाइट लिफ्टेड वाला, वह क्या होता है, यहां पर मैं लिख देता हूं हाइट ऑफ फ्लूड, क्या होता है हाइट ऑफ फ्लूड, जेड इजकल टू पी मतलब प्रेशर इंटेंसिटी, रो मतलब डेंसिटी, जी मीन्स ग्रेविटी, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, दोनों लिक्विड के लिए हम हाइट निकालेंगे। लिक्विड परिवर्तन क्या, वाटर के लिए जब हम हाइट निकालेंगे तो प्रेशर इंटेंसिटी दोनों के लिए कॉमन रहेगी, लेकिन डेंसिटी दोनों के लिए बदल जाएगी, ग्रेविटी दोनों के लिए 9.81 समान रहेगी। तो पहला जो लिक्विड है वाटर, तो यहां पर हमें क्या लिखना, फॉर वाटर लिख लेना, फॉर वाटर मतलब वाटर के लिए। तो वाटर के लिए जो डेंसिटी होती है वह हम जानते हैं कॉमन कितनी रहती है, 1000 किलोग्राम पर मीटर, क्योंकि ये हमें याद रखना पड़ेगा, इतनी डेंसिटी होती है वाटर के लिए, याद रखें किसके लिए, वाटर के लिए। तो वाटर के लिए हम जो हाइट निकालेंगे, जेट इजकल टू क्या है, जेट इजकल टू पी की जगह क्या, या तो पूरा पहले फॉर्मूला लिख लें, रो इंटू जी। अब डायरेक्ट मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो पी की जगह कितना रख देंगे, यहां पर जो वैल्यू दी है 3.924 × 10 की पावर 4 वटे, रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000 इंटू जी क्या है 9.81। अब हमें इसको कैलकुलेट करना है, तो आप दो बार में भी कैलकुलेट कर सकते हैं और एक बार में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करके जो आंसर आ रहा है, इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा है 4 मीटर ऑफ वाटर लिख देंगे, क्योंकि वाटर के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सेकेंड लिक्विड क्या है यहां पर, ऑयल है, फॉर ऑयल के लिए लिख देंगे हम। तो ऑयल के लिए भी फॉर्मूला सेम रहेगा, हमारी जो डेंसिटी है ये डेंसिटी क्या होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जबकि यहां पर क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है 0.9, तो इसकी कोई यूनिट नहीं लिखी, जबकि हमें क्या चाहिए, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो उसके लिए हम जो हमारा लिक्विड है वाटर, उसको हम स्टैंडर्ड मानते हैं, उसकी जो भी डेंसिटी उसका मल्टीप्लाई जो भी हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी उसमें कर देते हैं। तो हम जो भी लिक्विड है उसकी हम क्या डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो ऑयल के लिए डेंसिटी निकालना, मुझे यहां पर ओ लिख दें और 0.9 कर दें और मल्टीप्लाई कितने का कर दें, 1000 का कर दें। ये जो हमारी मल्टीप्लाई करके कितनी आ रही, 900 किलोग्राम पर मीटर। तो अब इसके लिए भी हाइट निकालेंगे, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, जेड इजकल टू पी अपॉन रो इंटू जी, हमें वैल्यू पुट करना, पी की वैल्यू कितनी है 3.924 × 10 की पावर 4 अपॉन रो जो हम निकाल चुके 900 × 9.81, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग जो कैलकुलेशन आ रही 4.44 मीटर ऑफ ऑयल। यहां पर कोई भी कैलकुलेशन में अगर आंसर इधर उधर हो जाता तो आप उसको चेक करके कैलकुलेशन करके सही भी कर सकते हो, उसको कमेंट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फॉर्मूले एकदम सही है और जो भी मैंने चेंज वेंज करना बताया वो भी एकदम सही होगा। तो उम्मीद है जो भी पीडीएफ में अपलोड कर रहा हूँ वो लोग आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, और जैसे मैं बता रहा हूँ कि इस तरह के जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस चैप्टर में हैं उनको मैं, जो भी 4-5 न्यूमेरिकल होंगे उनको मैं पीडीएफ बना के अपलोड कर दूंगा, आपको कम से कम पढ़ने को तो मिल जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।